कथा को सुनने से मनुष्य को सत्य का बोध होता है, पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने बताया। मित्रों, हम बताना चाहते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी, जो कि वृंदावन के सुप्रसिद्ध श्रीमद् भागवत कथा या हनुमान कथा या राम कथा या शिव पुराण की कथा विस्तार पूर्वक समझाते हैं और करते हैं। आज कथा में पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज परमारथ निकेतन आश्रम के अध्यास पूज्य श्री स्वामी चित्तानंद सरस्वती जी महाराज ने शामिल होकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त किया एवं कथा श्रवण किया। साथ ही उन्होंने अपने अमृत वचनों से कथा पिंडाल में उपस्थित भक्तों को अमृत प्रसाद प्रदान किया। बताते चले मित्रों, आपको ये आपको जानकर हैरानी हो रही होगी कि पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के पावन सन्निधि में भव्य एवं दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनेक 19 से 25 जून 2024 तक स्थान है परमारथ निकेतन ऋषिकेश उत्तराखंड में, समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कथा की जाती है। मित्रों, इसकी सूचना हमें आप बताते चलें कि आज जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा का चौथे दिन की कथा के शुरुआत में विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई और तीसरे दिन की भी कथा विश्व शांति से ही प्रार्थना की गई थी, जिसके बाद पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने कथा पिंडाल में बैठे सभी भक्तों को मन में हरि का नाम ले हरि नाम गाए भजन का श्रवण कराया। कथा का तीसरा दिन, दूसरा दिन, पहला दिन कथा का सार समझाया और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य के कथा के श्रवण करने से मात्र से जीवन के सारे विकार दूर हो जाते हैं और वह भाव बंधन से मुक्त पाकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। मित्रों, एक बात बताते चले, मनुष्य को भगवान कृष्ण के चरणों में स्मरण करना चाहिए, इससे उसका सारा दुख दूर हो जाएगा। आज का मनुष्य भगवान का पूजा पाठ नहीं करता है, इसलिए वह दुखों से घिरा हुआ रहता है। निस्वार्थ भाव से की गई पूजा ही श्रेष्ठ मानी गई है। मित्रों, सज्जनों, आपको बताते चलो, मनुष्य को भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से ही करनी चाहिए और जीवन में जो भी मिलता है उसे भगवान की कृपा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए, तभी मन शांत रहता है। कथा को सुनने से मनुष्य को सत्य का बोध होता है, जिससे लोगों के जीवन में कथा नहीं होता है उनका जीवन पत्थर के समान होता है। सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिस तीर्थ में जितना सत्कर्म होता है वो तीर्थ उतना ही जगत का जागता है, और जब तीर्थ में बुरे कर्म होने लगे जाते हैं तो तीर्थ विपूत हो जाता है। मनुष्य के पाप भागवत कथा सुनने से मिट जाते हैं। मनुष्य को अपने जीवन का कुछ समय हरि भजन में लगाना चाहिए। भागवत कथा वह अमृत है जिसके पान से वह भूख रोग व संताप का कुछ भी स्वस्थ ही नष्ट हो जाता है। आपको प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी को मानते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे नए स्टूडियो में ऐसी अपडेट पाने के लिए। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की या किसी साधु संत महापुरुष की चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख सकते हैं।